जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बता दूँ कि इसमें ऑल इंडिया से फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे नहीं मांगी है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म भरना है। अगर आपने अभी तक इसके नोटिफिकेशन को चेक नहीं किया और कंप्लीट वे में नहीं जाना कि कौन लोग इसमें इलिजिबल है, तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहां से आपको ये लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आप जानेंगे कि इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 21 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, एंड जो एप्लीकेशन फीस है उसकी जानकारी आप चेक करेंगे। सैलरी आपको किस लेवल पर क्या मिलती रहेगी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, एंड आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा उसकी जानकारी भी आपको यहां पर डिटेल में दी गई है। और अब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब गाइज, अगर आप इसमें इलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? तो फॉर्म फिल करने के लिए आप यहां पर सबसे पहले इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां पर आने के बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो अब आप यहां पर नीचे आइए। अब आपको यहां पर जो आपका कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम है, इसमें आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है ईमेल एड्रेस, आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है, एंड देन गाइज आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। ये जो कैप्चा आप यहां पर देख पा रहे हैं, कैप्चा आपको डालना है यहां पर और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी गए हैं। आप यहां पर कोई एक ओटीपी एंटर कर दीजिए, चाहे मोबाइल वाला या फिर आपका ईमेल वाला, तो वो ओटीपी आप यहां पर फिल कीजिए, एंड देन आपको वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मुझे जो ओटीपी है वो मिल चुका है। मैं यहां पर ओटीपी अभी के अभी आपको एंटर करके दिखाता हूं। तो हम यहां पर ये ओटीपी एंटर करते हैं, इसके बाद वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करते था। आप देखते हैं कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको नीचे आना है, यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ये कैप्चा कोड फिर से आपको यहां पर डालना है और रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर जो आपका नाम ईमेल और मोबाइल नंबर है ये आपके सामने है, आप इनको टिक करके वेरीफाई कर दे कि हां ये जानकारी सही है और मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करें और यहां से आप आई एग्री कर दे। आई एग्री करने के बाद में आप एक बार फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर हो जाएगा। अब आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहां पर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो आपको यहां पर नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहां पर अपनी कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि जेंडर आपको यहां पर बताना है, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइस यहां पर नेशनलिटी के अंदर आपको बताना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु हैज मिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो जो भी है। अगर आप सिंपली इंडियन है तो आप यहां पर ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड इन PIB फॉर कमीशन इन TA, तो ऑलरेडी आपने कितने अटेम्प्ट दे दी है वो आपको यहां पर बताना है। अगर आपकी ये पहली अटेम्प्ट है तो फिर आप यहां पर इसमें जीरो सेलेक्ट करेंगे कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम इसको दे रहा हूं। इसके बाद गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे फादर नेम, जो कि आपको एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। आपका मदर नेम देना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहां पर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको एंटर करना है, जो भी आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आप यहां पर लिखिएगा। फिर आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है, उसकी किस सिटी को दे रहे हैं फिर वो सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेकंड स्टेट की चॉइस आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है, उसकी सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तीसरी चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है और फिर उसकी जो सिटी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार से चौथी चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, एंड उसकी जो सिटी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन सेम वे में आपकी जो फिफ्थ स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है एंड उसकी सिटी
सिटी भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आपने प्रेफरेंसेस देनी है और फिर यहाँ पर नीचे आपके सामने एक सवाल है कि एम्प्लॉय डिटेल, आर यू गेनफुली एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड है अभी तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको बताना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो किस तरह से आप एम्प्लॉयड है यानी कि किस तरह से आप जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है कोई खुद का काम आप कर रहे हैं छोटा मोटा जो भी, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वही आप टिक कर लेंगे। इसके बाद में फिर आपको नेम ऑफ डिपार्टमेंट, फर्म कहाँ पर आप काम करते हैं, उस कंपनी का क्या नाम है या फिर उस बंदे का क्या नाम है जहाँ पर आप काम करते हैं, जिसके पास में आप काम करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका जो एड्रेस है वो भी आपको देना है। बट अगर आप गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और आप जानेंगे कि आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका कोई ना कोई खुद का काम होना चाहिए या फिर कोई ना कोई जॉब आप छोटी मोटी कोई भी है किसी भी तरह की, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट चाहे फिर खुद का बिजनेस, वो आपको करनी चाहिए या फिर आप कर रहे हो। इसके बाद आप यहाँ पर ये जानकारी भरते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एड्रेस का इंटरफेस आ चुका है। तो पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और टू के अंदर लिख देंगे आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो पोस्टल पिन कोड है वो क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आता है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर दोनों एड्रेस एक ही है तो आप यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप नीचे अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो भर दीजिएगा क्योंकि ऊपर आपने आपका प्रेजेंट एड्रेस भर दिया है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले टेंथ की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। टेंथ आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड में लिखना है। किस साल के अंदर पास किया उस साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी दसवीं पास की है। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या CGPA, वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे एंड देन परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको यहाँ पर बोर्ड नेम है आपका बोर्ड का नाम देना है। किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की उस साल आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है। इसके बाद में स्ट्रीम आपका क्या था, PCM, PCB, आर्ट्स कॉमर्स, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आर्ट्स कॉमर्स, तो जो भी था वही आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में यहां पर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट करेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहां पर डालने हैं और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल दीजिएगा, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएट एसेंशियल डिग्री डिटेल देनी है। तो क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास कौन सी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ग्रेजुएट में आपके पास जो भी डिग्री है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, तो किससे ये आपकी एफिलेटेड है यानी कि कहाँ से आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम, तो कहाँ से आपने की है आपकी क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहाँ पर दोनों में जो आपका कैंपस है वो कैंपस नेम इंस्टीट्यूट नेम के अंदर लिखेंगे। स्ट्रीम और ब्रांच, तो किसके अंदर आपने की है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप यहां पर आपके जो सब्जेक्ट थे आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर वो आपको एंटर करने हैं। ये एंटर करने के बाद में यहां पर किस महीने और किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहां पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं किसके अंदर नंबर है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर कितने नंबर आपको आए थे सभी ईयर के मिला करके वो आप यहां पर एंटर करेंगे और कितने में से आए थे वो आपको यहां पर मैक्सिमम मार्क्स में एंटर करना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पर एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंदर दे दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब लीगल डिटेल में कुछ सवाल पूछे जैसे कि हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल केस, कभी आप किसी क्रिमिनल केस के अंदर शामिल हुए हैं, इन्वॉल्व्ड थे किसी भी तरीके से, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको यहां पर भी नो करना है। फिर पूछा कि क्या कभी आप अरेस्ट किए गए, प्रोसिक्यूटेड हुए हैं, अगर हां तो यस, नहीं तो आप इसमें भी नो करना है। इसके बाद पूछा कि आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर हां तो यस, नहीं तो आप यहां पर भी नो करेंगे। क्या आप कभी किसी केस में दोषी पाए गए हैं, अगर हां
तो यस, नहीं तो आप इस वाले में नो कीजिए। फिर इसके बाद में क्या आप कभी किसी एग्जाम से ब्लैकलिस्ट या फिर डिबेट किए गए हैं इन बोर्ड के द्वारा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड देन आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर अपलोड दी स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जान लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस तरह से आएगी, आपको उसको क्लोज करना है और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको उसको व्यू भी करना है। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए, इसका साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसको भी अपलोड कर दीजिए और फिर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। एंड देन अब आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जान लीजिए कि आपके फोटो का जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा, जैसे कि PDF, JPEG और साइज 100 KB से 1 MB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, तो आपकी फाइल अपलोड होगी। आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा और फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। एंड देन आपको सेम वे में 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, जहाँ पर आपकी मार्कशीट है 12वीं की वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर जो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर रैंडम फाइल ही सेलेक्ट की है। अब आपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर इस तरह से व्यू भी कर लेना है, क्योंकि बिना व्यू करे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए जो कि आपको यहाँ पर टिक करने को दिए हैं। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लीजिए एंड देन फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI अदर बैंक नेट बैंकिंग अदर बैंक डेबिट कार्ड, तो बेसिकली इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।